तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। परसों के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो मैंने बोला था आपको कि मैं सोच रही हूँ कुछ वीडियो अपग्रेडेशन के बारे में, जैसे कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियोज आ रहे हैं, तो मैंने ये सोचा है कि 30 डेज का चैलेंज लिया है मैंने। 30 डेज में मैं जितने भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो डालूंगी, उसके साथ साथ मैं एक स्टॉक का भी उसमें ही ऐड करती जाऊंगी, उसी वीडियो में मैं एक स्टॉक भी ऐड कर दूंगी। तो आज से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं अभी कितना लंबा चलता है ये। तो आज से ही हम लोग एक स्टॉक के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो स्टॉक कौन सा होगा ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ और समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस अपलोड करती हूँ, और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में भी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो निफ्टी 50 के एनालिसिस के साथ। तो आज हमने निफ्टी में एक बाउंस बैक देखा, कल जितना फॉल हुआ था आज अच्छी खासी निफ्टी ने हमें तेजी दिखाई थी दोनों साइड में भी। सो द यूएस मूव टू डिले टैरिफ्स ऑन सम चाइनीज गुड्स एंड ईजिंग इन सम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल लिफ्टेड ट्रेडर सेंटिमेंट्स ऑन द टूडेज मार्केट। सो अभी यहाँ पे मैंने कल भी बताया था आपको कि मार्केट जो है वो ग्लोबल फैक्टर्स, बिग फैक्टर्स जो होते हैं वो सब जो है उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है। तो कल एक न्यूज आई थी जहाँ पे यूएस ने कुछ चाइनीज गुड्स के ऊपर डिले किया है टैरिफ्स डालने के लिए, तो इसका जो इफेक्ट है वो आज हमें मार्केट में दिखाई दिया है। तो देखिए अभी मार्केट न्यूज के ऊपर ज्यादा रिएक्शन दे रहा है, तो आप ध्यान से देखिए अगर कोई न्यूज आती है अगले तो नेक्स्ट डे के लिए मार्केट जो है वो गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। तो फिलहाल आज हमने देखा मार्केट ने अच्छी खासी पकड़ बनाई थी 11,000 के ऊपर, और आज जो कैंडल फॉर्म की है उसे हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी। ये कैंडल तभी फॉर्म होती है जब पिछले दिन एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है, मतलब एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है, और नेक्स्ट डे पे एक छोटी बुलिश कैंडल बनती है, तभी जो है ये पैटर्न फॉर्म होता है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो आज हमें दोनों साइड के मूव्स देखने को मिले। शार्प वोलेटिलिटी इंडिकेट दैट द मार्केट कुड रिमेन रेंज बाउंड, मार्केट जो है वो फिलहाल रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि आज जो हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली थी वो अप डाउन दोनों साइड देखने को मिल रही थी। तो फिलहाल अभी हम लोग चार्ट से नहीं, फिलहाल हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं निफ्टी 50 का। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी की 22 अगस्त की ऑप्शन चेन है, और आज जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 11,029 के पास। तो हमने आज देखा 11,770 और 80 के ऊपर निफ्टी के लिए एक टाइट रेजिस्टेंस फेज हो रहा था, और जब तक मार्केट जो है वो 11,150 क्रॉस नहीं करता तब तक के लिए ये रेजिस्टेंस फेस होता रहेगा। जो मेन हर्डल है वो तो है 11,150 का लेवल, जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक अपसाइड के कोई चांसेस नहीं है निफ्टी में। तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन। तो 11,029 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 11,000 और 11,050 के बीच में एट दी मनी है। अगर हम लोग 11,000 के लेवल के ऊपर देखते हैं तो कॉल साइड में
में 6 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और उसके सामने पुट साइड में 9 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। नीचे की बात करें तो 10,900, 10,900 के ऊपर कॉल साइड में 1 लैक का ओपन इंटरेस्ट है और उसी के सामने पुट साइड में 9 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ है थोड़ा सा, तो 10,900 की तरफ एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बना हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर हम देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में जो खड़ा है वो है 9,44,000 का, जो कि है 11,200 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पे। और अगर पुट साइड में हम लोग देखते हैं तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 9,71,000 का, जो कि है 11,000 के ऊपर। तो अगर हम लोग देखें आज तो राइटिंग देखें तो राइटिंग कॉल साइड में सबसे ज्यादा जो हुई है आज वो हुई है 6 लैक्स की, जो कि है 11,200 के लेवल के ऊपर ही। और अगर पुट साइड में हम देखें आज राइटिंग जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली है तो वो मिली है 11,000 के ऊपर, 7,98,000 की। तो देखिए फिलहाल जो है वो मार्केट जो सपोर्ट है, मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो है 11,000 का लेवल, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था। फिलहाल अभी 11,000 के ऊपर है, तो यहाँ पे जो मेन सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 11,000 का लेवल। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो निफ्टी जो है वो 10,900 तक चला जाएगा। अगर 10,900 भी टूटेगा और उसके नीचे मार्केट फिसलेगा कुछ आने वाले सेशंस में, तो जो है फिर से हमें 700-750 के लेवल्स जो है वो आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करूं तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 11,100 और 11,200 के लेवल के ऊपर। ये दो रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए फेस हो सकते हैं विथ दिस ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो अगर हम देखें तो ट्रेडिंग रेंज की बात करें, निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज इस ऑप्शन डेटा से क्या होगी, तो मेरे ख्याल से निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो होगी 10,800 से लेके 11,200 के बीच में। तो अभी हमने ऑप्शन डेटा तो देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और जैसे मैंने आपको अभी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है, छोटी सी बुलिश कैंडल है जिसे हम लोग बुलिश हरामी कहते हैं। और ये कैसे फॉर्म होती है, क्यों फॉर्म होती है, ये भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। सो आज अगर हम देखें तो निफ्टी ओपन हायर एट 11,029 और आज उसने हाई मारा था 11,078 का। और अगर हम लोग लो की बात करें तो लो 935 का किया था, पिछला लो निफ्टी ने जो है वो नहीं ब्रेक किया और हमें 935 का ही आज लो निफ्टी ने बनाते हुए दिखाई दिया था। सो अगर हम देखें तो आज जो है वो स्ट्रॉन्ग कमबैक जो है वो निफ्टी 50 में हमें देखने को मिला है। तो कल जो पूरा मार्केट में सेल ऑफ हुआ था तो उसका कारण ग्लोबल फैक्टर्स थे, आज जो मार्केट अच्छा खासा मूव दिया है मार्केट ने तो उसका भी कारण ग्लोबल फैक्टर्स ही है। तो देखिए फिलहाल अभी निफ्टी जो है वो एक टाइट रेंज में है 150 से लेके 10,900 के बीच में। देखिए कुछ सेशंस तक निफ्टी जो है वो इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है जब तक हमें 10,900 के नीचे ब्रेकआउट नहीं मिलता या फिर 11,145 और 150 के बीच में, 150 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक जो है वो निफ्टी हमें इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो फिलहाल जब तक 10,900 के ऊपर है तब तक हम लोग एक मान सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। अगर 10,900 ब्रेक होता है किसी भी कारण तो जो है वो निफ्टी फिर से 750-700 तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग विक्स देखें तो इंडिया विक्स फेल बाय 8% टू 16.35 लेवल। देखिए शार्प कट इन वोलेटिलिटी इंडेक्स फेवर्ड द बुल्स बट विक्स नीडेड टू होल्ड बिलो 15 जोन्स टू गेट द शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी एंड बाउंस बैक मूव। सो अभी निफ्टी में हमारे लेवल्स क्या होंगे, अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो फिलहाल जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 11,000 का लेवल और
उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 960 और 900 का लेवल है। ऊपर की साइड में अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस है 11,060 के ऊपर, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 11,150 का। ये दो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। देखो अगर निफ्टी को ऊपर के साइड जाना होगा तो 11,000 के ऊपर ही निफ्टी सस्टेन करेगा नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर निफ्टी 11,000 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ से जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 11,100 का लेवल। फिर अगर 11,100 ब्रेक होता है तो निफ्टी जो है फिर 11,150 की ओर चल पड़ेगा। वही अगर 11,000 का लेवल ब्रेक होगा नेक्स्ट सेशंस में तो 11,000 के नीचे जो नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी का वो है 980 और 960 का जोन। यहाँ तक फिर निफ्टी गिर सकता है। 960 की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको निफ्टी को होल्ड रखना चाहिए। तो निफ्टी के लिए मैंने अपने लेवल्स बता दिए हैं। तो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी देखिए येस्टरडे बैंक निफ्टी करेक्ट अप्रोक्स 700 पॉइंट्स, वाइल टुडे ऑन एक्सपायरी मूव ओनली 280 पॉइंट्स। दैट मींस नॉट पॉजिटिव मूव। इफ प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग हैपन देन बैंक निफ्टी शुड बी क्रॉस मिनिमम 28,200। सो अभी देखिए अगर शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में हमें, तो बैंक निफ्टी को 28,200 तो क्रॉस करना चाहिए। जब तक 28,200 क्रॉस नहीं करता है तब तक निफ्टी बैंक में जो है वो थोड़ा निगेटिवनेस रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल मेरे सामने अभी निफ्टी बैंक की वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अभी अगर निफ्टी बैंक को हम देखते हैं तो आज एक स्मॉल बुलिश कैंडल निफ्टी बैंक ने फॉर्म की है और क्लोजिंग मिली है 28,019 के पास। तो फिलहाल पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन की क्लोजिंग आई है 28,019 के ऊपर, तो हम लोग एट दी मनी है 28,000 के ऊपर। तो अगर 28,000 के ऊपर हम लोग कॉल साइड में देखते हैं तो 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। नीचे की बात करें तो नीचे के लेवल में 27,500 के ऊपर 5,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़ा है। ऊपर के साइड में देखे तो 28,200 के ऊपर कॉल साइड में 1,34,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और उसके सामने पुट साइड में 9,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है 2,72,000 का, जो कि है 29,000 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 2 लाख का, जो कि है 28,500 के लेवल के ऊपर। और वही अगर पुट साइड में हम लोग देखते हैं तो पुट साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है तो वो है 1,99,000 का, जो कि है 27,000 के लेवल के ऊपर। और अगर हम लोग राइटिंग के देखे आज तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा राइटिंग हमें देखने को मिली है वो है 1,86,000 की, जो है 29,000 के लेवल के ऊपर। और पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो राइटिंग हमें देखने को मिली है आज वो मिली है 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो कि है 28,000 के लेवल के ऊपर। तो अगर हम लोग ऑप्शन डेटा से एक बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है वो है 27,500 से लेके 28,500 और 600 के बीच में। तो अभी हमने निफ्टी बैंक का ऑप्शन डेटा तो देख लिया है, तो चलिए चलते अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। सो बैंक निफ्टी फॉर्म एन इनसाइड बार कैंडल ऑन डेली चार्ट्स। और अभी अगर हम आज देखेंगे तो आज जो है वो बैंक निफ्टी 27,700 से लेके 28,100 के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था और अभी क्लोजिंग आई है 28,019 के पास। तो यहाँ पे जो है वो निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट जोन कहाँ पे है, तो देखिए सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक के लिए यहाँ से क्रूशियल सपोर्ट जोन जिन्हें हम कह सकते हैं वो है 27,500 का लेवल और 27,300 और 250 का लेवल। वाइल अगर हम लोग हर्डल्स की बात करें तो हर्डल्स जो है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए वो है 28,200 और 300 का लेवल, और नेक्स्ट जो हर्डल रहेगा वो रहेगा 28,500 का
level. So it has to given a range breakout with follow-up activities for the next leg of move. So अभी देखिए निफ्टी जब तक निफ्टी बैंक 28,000 के अबाव है तब तक अभी चांसेस है निफ्टी बैंक के नेक्स्ट टारगेट के 28,200 के. अगर 28,200 ब्रेक होता है तो जो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक का वो रहेगा 300 और 350 का लेवल. वाइल अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 28,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके नीचे अगर इंट्राडे सपोर्ट की बात करो तो इंट्राडे के लिए 27,880 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी बैंक के पास है. तो अभी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए हैं निफ्टी निफ्टी बैंक के लिए. आप अपने चार्ट के ऊपर ये सब जो लेवल्स है वो मार्क कीजिए, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. तो अभी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो देख लिया है, तो आज हम लोग कौन से स्टॉक के ऊपर बोलने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो स्टॉक है SBI. मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती थी इसके ऊपर तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दूं इसके ऊपर. तो एसबीआई की फिलहाल अभी क्लोजिंग आई है 289 के पास. तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है वो आई बटन में आपको मिल जाएगी. सो स्लो डाउन इज प्योरली टेम्पररी, ऑलरेडी इन्फॉर्म बाय सीईओ मारुति लाइक वाइज M&M इवन फाइनेंस कंपनी लाइक एडल वाइज. हाउ एवर इट विल नॉट अफेक्ट SBI सिंस इट हैड वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस बिल डिस्काउंट करेंसी एक्सचेंज स्टॉक ट्रेडिंग इंश्योरेंस वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट स्कीम foreign exporter incentive by way of currency contract. Further, the current direction of central government for lending several lakhs crore on collateral basis of documents already held by them, which resulted arrested NPA in future, beside improvements of various type of income like interest, currency exchange commission, etc. Therefore, this stock again will move from 290 to 325 sooner or later within a short span of time. It may again touch 310 level. देखिए बहुत सारे ऐसे news आए हैं SBI में, तो मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि ये स्टॉक पॉजिटिव है. अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे पिछले टाइम भी आपको बताया था कि ये इसके नीचे है मार्केट तो थोड़ा निगेटिव है, लेकिन अगर हम बात करें तो 290 और 325 के बीच में ये स्टॉक जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ फिर से दिखाई दे सकता है. तो जो भी लोग इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. यहाँ से जो है मुझे इस स्टॉक के अंदर अपसाइड के मूवमेंट्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 290 टू 325 ये जोन तक फिर से SBI जो है ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देगा. कि अभी SBI के ऊपर भी मैंने अपना व्यू दे दिया है, यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं. जो लोग एक दो साल के लिए इस स्टॉक को रखना चाहते हैं वो भी रखिए, इसके लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स भी बहुत अच्छे हैं. तो जो भी लोग इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. मुझे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर, जो इसको 320-350 तक आराम से लेके जाएगा ऐसे मुझे लग रहा है. तो जो लोग इसमें खरीदारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये मेरी सलाह रहेगी. बाकी आप अपना एनालिसिस भी करो और बाद में ही जो है वो ट्रेड लीजिए. सो जो लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो देख सकते हैं और वहां से जुड़ सकते हैं. लोगों को डोनेशन करना है वो लोग डोनेशन की लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है. अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद है और मेरे वीडियोस आपको पसंद है तो आप डोनेशन कर सकते हो. आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था. वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, लाइक किए बिना जाना नहीं है. और यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है. बहुत सारे लोग ऐसे ही लाइक किए बिना चले जाते हैं, तो देखिए हम लोग इतना एफर्ट लेते हैं आपके लिए. अभी मैंने चैनल अपग्रेड किया है, वीडियोस अपग्रेड किए हैं, रेगुलरली मैं एक स्टॉक भी इसमें ऐड कर दूंगी अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो में. तो आप भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक लाइक तो करते ही जाना, ताकि जो है फिर हमें मोटिवेशन मिले. देखिए हमें ये काम जो है, मतलब हम लोग एजुकेशन फ्रीली प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो इसके लिए आपको कोर्सेज लगेंगे, फिर उसका 1.5-2 लाख खर्चा होगा. तो मेरा ये मोटिव है कि जो लोग ये सारे कोर्सेज में पैसे नहीं डाल सकते वो लोग कुछ सीखे,
इसके माध्यम से, YouTube के माध्यम से, ये मेरा मोटिव रहता है हमेशा। तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।